नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती गुरुवार को सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा हिरण के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, नगर परिषद पूर्व सभापति ललिता समदानी, रेखा त्रिवेदी सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रियाज के साथ सदस्य सचिव अल्पा चौधरी, रजिस्ट्रार अजय शुक्ला, आरपीएस सत्येंद्र पाल सिंह सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में आयोग जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगा और महिलाओं को जागरूक करने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। रेहाना रियाज ने कहा कि महिला अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों पर गहराई तक जाकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी संभाग मुख्यालयों पर जन सुनवाई की जाएगी, बाद में जिला मुख्यालयों पर दो दिन जन सुनवाई करेंगे। आयोग के अध्यक्ष के नाते वे राजस्थान के हर जिले में जाएगी और हर महिला में यह विश्वास जगाया जाएगा कि किसी भी तरह की ज्यादती और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मामले पेंडिंग है अधिकारियों के सामने उनकी सुनवाई का निस्तारण कराया जाएगा। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, संपत्ति का मसला, इसके अलावा उनके पास कई महिलाएं आर्थिक सहायता या कोई रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भी आती है और आयोग ऐसी महिलाओं की मदद भी करेगा। सारी सातों डिविजनल हेडक्वार्टर को टच करने के बाद जिला मुख्यालयों पर भी दो दो दिन रहने का है। महिला आयोग की तरफ से जन सुनवाई करेंगे और तत्काल उसका जो भी शिकायतें आती है उसके निवारण करते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अधिकारियों को बुलाते हैं, अधिकारी होंगे सामने ही जो शिकायतें होती है उसका निराकरण भी देन एंड देयर करवा रहे हैं। अधिकारी मेरे साथ में आए हुए हैं, हमारे मेंबर सेक्रेटरी है अल्पा चौधरी जी, सीनियर आर एस, सीनियर आर पी एस सत्येंद्र पाल सिंह जी है और रजिस्ट्रार है अजय शुक्ला जी। हम आयोग के लोग सभी साथ में हैं ताकि कोई दिक्कत हो, सलाह मशवरा हो, वहीं की वहीं हो जाए और अधिकारियों के साथ में मिलकर के लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें। दौरे में क्या कुछ खास कमियां नज़र आ रही है? कई सारे मुद्दे हैं कि दहेज उत्पीड़न का मसला है और घरेलू हिंसा का है, मारपीट वगैरह, शराब पी करके जो मारपीट करते हैं, और कई जगह संपत्ति का मसला है, आपस में जो डिस्प्यूट है वो, और कई जगह इवन विधवा पेंशन के लिए है, जो विधवाएं उनके बच्चे छोटे छोटे उनको पेंशन वगैरह का मुद्दा है। एक मुद्दा आया था कि कुछ महिलाओं की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया गया कि 45 साल से ऊपर कई दफ़ा विधवा तलाकशुदाओं को जो रिलैक्सेशन मिलते हैं कोई कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करने के लिए, तो वो कह रहे थे कि जो कुंवारे रह जाते हैं किसी कारणवश, हालांकि संख्या उनकी बहुत कम है, पर कहते हैं हमारा को हमें भी उस चीज़ का रिलैक्सेशन मिल जाए। उन्होंने वो बात रखा है उदयपुर में, अलग अलग जगह अलग अलग किस्म की बातें हैं, और कोई अपनी कोई आर्थिक सहायता चाहते हैं, कोई अपने काम धंधा छोटा मोटा शुरू करने के लिए मदद चाहते हैं, सभी तरह के मुद्दे आते हैं। केवल दुराचार या दुष्कर्म वो चीज़ें नहीं हैं, उनकी जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे साथ में हो, हम पैसे जो दो पैसा भी कमाएं अपने परिवार की मदद में, बच्चों के लिए वो कुछ करना भी चाहते हैं। सभी मसला केवल एक ही मुद्दे का नहीं है, जो महिला आयोग को लेकर आमतौर पर एक सोच है, इसमें कोई बलात्कार पीड़ित, दुष्कर्म पीड़ित, छेड़छाड़ का मसला है, वो भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हम सब बहुत सिंपथेटिकली उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, उसके समाधान की भी कोशिश करते हैं। राज्य सरकार के कोविड टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए केसरबाई सोनी हॉस्पिटल में कोविड टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएमएचओ और भीलवाड़ा जिले के वैक्सीन इंचार्ज डॉक्टर संजीव शर्मा, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनीष चौधरी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत आगाल ने वैक्सीन की महत्ता के बारे में बताया। हॉस्पिटल के सीईओ श्याम बिरला ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम, द्वितीय और प्रीकॉशन डोज 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है और वैक्सीन लगाने का समय सोनी हॉस्पिटल में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक है, जिसकी कीमत 386 रुपए प्रति डोज है। आज यहाँ सोनी हॉस्पिटल के अंदर जो प्रिकॉशन डोज है 18 से 59 प्राइवेट सेंटर्स के ऊपर, जो पहला भीलवाड़ा के अंदर सेंटर यहाँ चालू की जा रही है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी 18 से 59 साल की एज के अंदर प्रिकॉशन डोज नहीं लगाई जा रही है। भीलवाड़ा का पहला ये प्राइवेट सेंटर रहेगा जहाँ पर प्रिकॉशन डोज चालू की जा रही है। बाकी अगर सेंटर की बात करें तो सर क्या डोज लग रही है? बाकी जो सेंटर्स गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वहाँ पर 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको लग रही है, प्लस
हेल्थ केयर वर्कर हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर हो गए, उनको जो है प्रिकॉशन डोज 18 से लेके ऊपर सबको लग रही है। भाई सरकार इसीलिए चाह रही है कि अगर वैक्सीनेशन रहता है, जो आप अपने पिछली लहर में भी देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे जिनको दोनों डोज लगी हुई थी उन लोगों को नुकसान कम हुआ, तो इस हिसाब से सबको जो है डोज लगवानी चाहिए। उनके लिए सुविधा चालू की गई है, बिल्कुल 18 से 59 वालों के लिए सुविधा प्रिकॉशन डोज की चालू की गई है यहाँ पर। जिस तरह से अभी कोविड के नए वेरिएंट्स की बातें हमारे सामने आ रही है, तो सरकार ने ये निश्चित किया था कि वैसे तो सारी वैक्सीनेशन की सुविधाएं गवर्नमेंट स्तर पर फ्री की जा रही है, लेकिन 18 से 59 साल के वैक्सीनेशन के लिए आदरणीय डिप्टी सीएमएचओ सर का हमेशा से मोटिवेशन रहा है कि प्राइवेट सेंटर पर भी हमें लोगों को सुविधा देने के लिए ये वैक्सीनेशन चालू करना चाहिए। तो इसीलिए हमने कोविडशील्ड वैक्सीन सीधे सीरम से मंगा के और कल सुबह हम वैक्सीन का चालू कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पात्र हैं अपने सेकंड डोज से 9 महीने का गैप अगर जिनका हो गया है या फर्स्ट डोज बाकी है सेकंड डोज बाकी है वो यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ प्राइस इसमें गवर्नमेंट के जो नियमानुसार है उससे उस अनुसार 386 रुपये हम लोग प्रति डोज उनसे लेंगे। कोविशील्ड ही है हमारे यहाँ पर, कोवैक्सीन और वो सारी गवर्नमेंट पे ही अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स उनको अपने साथ में आधार कार्ड और जो लास्ट डोज उनका लगा है उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ लाना है ताकि हम यहाँ पर सत्यापित कर सकें। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आगामी मानसून से पूर्व नालों की मरम्मत कराने के लिए नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने यूआईटी सेक्रेटरी अजय आर्य को पत्र लिखा है। पत्र में पाठक ने कहा कि यूआईटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले नालों की मरम्मत मानसून से पहले कराई जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों भिलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के नालों का सर्वे कराया गया, इसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में नालों की मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने पत्र में लिखा कि गत वर्ष नगर विकास न्यास में नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा आरसी व्यास कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर, चित्रकूट नगर में जल भराव की समस्या के कारण संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन भी तैयार किया था। निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित कार्य नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जाने थे किंतु अभी कार्य मौके पर संपादित नहीं किए गए। आगामी मानसून से पहले मरम्मत व सफाई का कार्य नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पत्र में नालों की मरम्मत शीघ्र कराने को कहा है। भिलवाड़ा के नालों में गंदगी के ढेर लगे हैं, कई नालों की तो 1 साल से भी ज्यादा समय से सफाई नहीं हुई है, इससे वहां बदबू फैली रहती है। अगर मानसून से पूर्व नालों की सफाई व मरम्मत नहीं हुई तो वर्षा जल की निकासी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और पानी सड़कों पर भरेगा जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुरुद्वारे के पास स्थित नाले के साल भर से सफाई नहीं होने से उसमें बड़ी मात्रा में कचरा जमा हो गया है जो परेशानी का सबब बन सकता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। एसके इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। एसके इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड पांसल चौराहा नियर आईटीआई एसबीआई वाली गली भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 9024107982, 9571838100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा, श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर। 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की, अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। करेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की थाना ग्राम पंचायत के 8 गांव के ग्रामीणों ने पीने के पानी की मांग को लेकर गुरुवार को उपखंड कार्यालय पहुंच प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि थाना ग्राम पंचायत के पीपला भिलोका बाड़िया थाना की कुड़िया हालाका दोरा नयागढ़ रेल बम्बोला बटेरी फूटिया गांव में पिछले 3 सालों से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को पीने के पानी को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पाइपलाइन बिछा रखी है, वे भी ग्रामीणों को नल से पानी लाना पड़ता है, वहीं गांव में हेडपंप भी खराब है और कुछ ठीक है तो उनमें पानी नहीं आता। अभी भीषण गर्मी में पानी लाना बहुत मुसीबत साबित हो रहा है, जिससे सभी ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने नल कनेक्शन देने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे पानी की समस्या है, ग्राम पंचायत थाना से आया हूं, वो 3 गांव में बिल्कुल पानी है नहीं, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है कुएं से, और पानी लाइन बिछी हुई है मगर कोई पानी देते नहीं है, बोरिंग भी है, बोरिंग में बहुत पानी है मगर ग्राम पंचायत नहीं पानी पिला रही, पानी 2-3 मजरा बिल्कुल पानी की समस्या है और सभी आज दुखी है पानी से, गाय भैंस सारे पैसे मर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सवाई सिंह है, मैं ग्राम पंचायत थाना उप सरपंच हूँ। बोलो। पानी के लिए पीपड़ा के काम आया, पानी की बहुत समस्या हो रही है, हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, बिल्कुल पानी नहीं है हमारे गांव में, 3 किलोमीटर सेठ से लेके आ रहे हैं। गांव में पानी की बहुत कमी है, लोग बहुत दूर दूर पानी लेना है, पानी पीने के लिए पानी भी कोने, बहुत दुखी है लगा है गांव के। क्या नाम है? मेरा नाम मीना है। भारत विकास परिषद शाखा फूलियाला द्वारा मंगलवार को मुख्य बाजार में स्थित भारत विकास परिषद द्वारा संचालित जल मंदिर से परिंडा वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सुभाष लड्ढा ने बताया कि पुलिस चौकी, अस्पताल परिसर, विद्यालय परिसर में परिंडे बांधकर दाना पानी प्रतिदिन डालने का संकल्प लिया गया। लगभग 100 परिंडों का वितरण और मुख्य बाजार में संचालित परिषद जल मंदिर से ग्रामवासियों एवं इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क वितरित कर प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प उन्हें दिलाया। इस कार्यक्रम में शाखा के कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार सोमानी, प्रांतीय दायित्व गुरुवंदन, सह संयोजक प्रभारी वसंत कुमार नौलखा, जिनेंद्र कुमार जैन, महेश कुमार पाराशर, प्रशांत चौधरी, विकास गर्ग, अमित पारिक, धर्म प्रकाश ओझा आदि सदस्यों का सहयोग वितरण करने में रहा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लॉ कॉलेज इकाई द्वारा प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष किरण कुमार सालवी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक व उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर पुनः कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से इकाई अध्यक्ष आयुष कोकटा ने बताया कि पूर्व में भी एबीवीपी के द्वारा परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया जा चुका है। जिस प्रकार से विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में धांधली हुई है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में रखा जा रहा है। परिषद द्वारा पूर्व में भी 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया था कि समय पर परीक्षा परिणाम सही तरीके से घोषित किया जाए। सिद्धार्थ पाराशर के नेतृत्व में परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंक कर ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि अगर शीघ्र ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विधि के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा आमरण अनशन पर बैठकर शैक्षणिक बंद किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय परिसर की होगी। इस दौरान महानगर मंत्री हर्षित शर्मा, इकाई उपाध्यक्ष सावन दिया, जिला संयोजिका यशोदा मंडोबरा, पूर्व अध्यक्ष सौरभ पारिक, धवल कुमार, यशवंत सूर्यदेव, अभिषेक सोनू, पप्पू दुर्गेश, हरीश राजकुमार, शिवराम चंद्र प्रकाश आदि छात्र छात्रा मौजूद थे। जिले भर में कार्यरत ग्रामीण अंचल के पत्रकारों सहित जिला मुख्यालय पर कार्यरत संवाददाताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र ओडिया, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शहजाद खान, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के जिला अध्यक्ष प्रकाश चपलोत, भिलवाड़ा प्रेस सोसायटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राठी ने नवनियुक्त जनसंपर्क अधिकारी हेमंत छीपा से मुलाकात की। उन्हें बताया कि पीआरओ विभाग से पत्रकारों को मिलने वाली समस्त सूचनाएं एवं सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती एवं सूचना केंद्र में पत्रकारों के लिए कोई उचित स्थान भी निर्धारित नहीं है जहां बैठकर पत्रकार अर्जेंट खबरों का कार्य संपादित कर सके। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने जनसंपर्क विभाग से जारी होने वाली लिटरेचर और सूजत जैसी पत्रिका सभी पत्रकारों को नियमित रूप से पहुंचाने की मांग की। चारों वरिष्ठ पत्रकारों ने जनसंपर्क विभाग के अधीन दफ्तर की दुर्दशा पर ध्यान दिलाते हुए उन्हें वाचनालय एवं कार्यालय की दुर्दशा का अवलोकन करवाया, जहां पाया गया कि दफ्तर की छत का कुछ हिस्सा जर्जर हालत में है, वहीं वाचनालय की दीवारें क्षतिग्रस्त है और बिजली फिटिंग का कार्य भी मेंटेनेंस मांग रहा है। पीआरओ छीपा ने चारों पत्रकारों के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट का भी अवलोकन किया, जहां बदबूदार पानी भरा होने के साथ कुछ जानवरों ने वहां अपना बसेरा भी बना रखा है। अधिकारी सुरक्षा को लेकर न केवल हैरान थे बल्कि उन्होंने भवन के जर्जर हालत को देखकर चिंता भी व्यक्त की और इस अव्यवस्था को शीघ्र दूर करने का संकल्प लिया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा लगाए गए आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में 2 दिवसीय शिविर में भिलवाड़ा के 162 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा व मोहिनी मीणा ने सभी रोगियों को पुराने खांसी व पुराने श्वास की तकलीफ व पुराने जुखाम की जांच का परामर्श दिया। समिति अध्यक्ष दलाल समनानी ने बताया कि भिलवाड़ा जिले से भी रोगी आए और सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व भाप दी गई। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा लगाए गए फिजियोथेरेपी शिविर में 35 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर आमोद शर्मा व डॉक्टर आकांक्षा आगाल ने रोगियों को देखकर उचित सलाह दी और कई रोगियों की थेरेपी भी की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।